नहीं मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई बिकॉज मिंक और पुन्नू की स्क्रिप्ट है ये स्पेशली पुन्नू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है तो इन लोगों ने ऑब्वियसली मेरे आने से पहले काफ़ी काम कर चुके थे और जो मिंक के साथ जो वर्कशॉप अभी शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने ऑलरेडी कैरेक्टर अपने अंदर ऑलरेडी टेकन इट दे ऑलरेडी दे आर इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर तो मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई शूटिंग के समय इट वॉज जस्ट लेसिंग लाइक पुटिंग अ क्रीम ऑन अ केक इज लाइक इट वॉज अमेजिंग क्योंकि मैं कपड़े कम उतारती हूँ कुछ तो कारण रहा होगा इतनी कारण यही है कि मैं कपड़े कम उतारती हूँ और दूसरा कारण ये है कि मैंने हमेशा शुरू से मेंटेन किया है कि मुझे 400 फिल्में नहीं करनी है मुझे 40 अच्छी फिल्में करनी है 4 अच्छी फिल्में करनी है करियर में लेकिन अपने किरदारों से मैं याद रखी जाऊँ लोगों के मन में मेरी इज्जत हो प्यार हो और ऐसे कम रोल्स आते हैं ऐसे कम प्रोजेक्ट्स आते हैं हालांकि इस लाइन में शायद मैंने हफ्ते में पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 6 या 7 नरेशन लिए होंगे विच मीन्स ऑन एन एवरेज आई बीन टेकिंग अ नरेशन ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ बट प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है या किसी कारण से प्रोजेक्ट या रोल पसंद आता है तो वो पिक ऑफ नहीं हो पाता डायरेक्टर की अपनी प्रोड्यूसर की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं तो कई सारे ऐसे रीजंस हैं कहना मुश्किल है कि क्यों एक वजह है कि आपने मुझे नहीं देखा इतने टाइम में लेकिन कोई ज़रूर कोई ख़ास और अच्छी वजह रही होगी songs are very very dreamy very romantic very very touching you know I hope they will touch others too bahut mehnat ki gayi hai unke upar and I hope the audience and you guys will accept it I love the music and I'm not saying it's because of my film and my music but I love the music so hope you guys will love it too That's not fair to us. It's not fair to us. I'm a musician, so all the songs are different. So I don't think I can put my finger down on one track and say this is my favorite song. To kehna mushkil hai kyunki sare gaane acche hain and they're all very different from each other. I think the whole album is really interesting. It would not be fair to say ek disco ka gaana hai jo shayad logon ko bahut pasand aaye catch up with the younger generation. और एक सालसा का म्यूज़िक है स्मॉल लाइक वेस्टर्न म्यूज़िक जिस पे सनी जैसे बता रहे थे पहले कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की करके वेस्टर्न ड्यूएट्स परफॉर्म किया सो आई होप दैट पीपल लाइक दैट देखो हर कोई चाहता है कि अपनी उसकी फिल्म अलग हो हर कोई कोई भी इंटरव्यू देखो कोई भी डायरेक्टर एक्टर ये बोलेगा कि मेरी फिल्म अलग है हम लोगों ने किस तरह से अलग किया हम लोगों ने क्या अलग किया ये एक हर एक कोई कोशिश करता है ओके अब जब आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने क्या अलग किया ना आप बताऊँ मैंने क्या अलग किया
जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, जो एक क्लब का सॉन्ग है, हम लोगों ने रिदम सेक्शन बिल्कुल माइनस कर दिया। हम लोगों ने उसके एकॉस्टिक वैल्यूज ऐड किए, जो कि पुराने जमाने के जो सॉन्ग हुआ करते थे, हम लोगों ने उस पर लिरिकल वैल्यू ऐड किए, जो कि Co-stars, there's Milin Somwal who's been awesome. I loved working with Milin and every moment of it was so special with him. He made me feel so comfortable. Other than that, there was Yukta Mukhi. Achha experience raha. Then there was Sami, Seema Biswas, Aseem. I think the entire team was great to work with. He's a very interesting character. शायद लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इस तरीके के रोल में आऊँगी, ना मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं इस तरीके का किरदार करूँगी और उसको अच्छी तरह से निभा पाऊँगी। तो बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग रहा। जो किरदार थे ये मोर और लेस फाइनल हो चुके थे और मैंने फिर जब इनके साथ बैठ के, राइटर्स के साथ बैठ के, फिल्म के साथ बैठ के जब पूरा डायलॉग वर्जन कम्प्लीट किया, हर एक एक्टर को एक डायलॉग कॉपी और स्क्रिप्ट कॉपी दी गई और इन लोगों ने अपनी तरफ से एक हफ्ते दो हफ्ते उसको पढ़ा, उसके ऊपर मेहनत की। फिर हम लोगों ने रीडिंग शुरू की, जो वर्कशॉप जिसे कहते हैं, उसमें इन लोग का जो आउटपुट था वाज अमेजिंग। मुझे ऐसे लगा था कि मैं वो किरदार अपने सामने देख रहा हूँ, जो कैमरा नहीं था मेरे सामने, जो कि कठपुतली में जो दे आर कैरेक्टर, सो इट वॉज अमेजिंग।